लो ले, राइट को मैं बनाता हूँ। Oh my god! Oh my god! Hey! Oh my god! Oh shit! पहले आप सभी से ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी हॉन्टेड चैनल पे, तो आज फाइनली वो दिन आ गया कि मुझे वापस से जगह पे आना पड़ा और वीडियो शूट करना पड़ा। बहुत दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो पहला कारण कि मैं था बेड रेस्ट पे, दूसरी चीज़ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप सबको याद होगा, जिसमें ये जिक्र किया था मैंने कि कुछ दिन पहले से मुझे घर में अजीब अजीब सपने आ रहे हैं और एक प्रेत आत्मा सीधा मेरे घर तक पहुंच चुकी है जो कि मेरे सपनों में आकर कुछ कहना चाहती है। अजीब तरीके से उसका बिहेवियर है और बहुत ही खतरनाक है वो दिखने में, तो कुछ उस कारण से भी वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो आज जैसा कि मैंने वादा किया था आप सभी से कि मेरे एक वीडियो मुर्दा घर की अकेले आएगी, और आज मैं फाइनली मुर्दा घर पे अकेले आ गया वो शूट करने के लिए। सच में इस वक्त इतना ज़्यादा घबराहट और डर है ना, वो शायद आप सब मेरे फेस पे देख रहे होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने के लिए आया हूँ इस जगह पे, और वो भी अकेले आया। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है पिछले कुछ दिनों से, और उसके बावजूद मैं अकेले इस जगह पे विजिट करने आया। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं यहाँ से एंट्री किया था अमरेंद्र के साथ, और ऊपर की तरफ कुछ तो था जो वीडियो में क्लियरली कैप्चर हुआ था। अब वो कितनी खतरनाक हो सकती है वो आत्मा, वो आज के वीडियो में पता चलेगा कि आज अकेले जब मैं आया तो कितना ज़्यादा वो हावी हो सकती है, अटैक कर सकती है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ से, क्योंकि रात ज़्यादा ना हो इसलिए जल्दी से मैं इस जगह को विज़िट करूँगा और यहाँ से चुपचाप निकलूँगा। फिलहाल आज से वीडियो जो होगा रेगुलर आएंगी, आप देख रहे हो वैसे भी मैं पहुँच चुका हूँ एक खतरनाक लोकेशन पे। तो ज़्यादा ना बात करते हुए सीधा चलते हैं अंदर, क्योंकि रात के 10:30-11 बज रहे हैं और मैं खड़ा हूँ उस वक्त अकेले, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये देखिए मैंने कैमरे को कैसे रखा हुआ है पेड़ पे, सॉरी फ्लैश लाइट को मैंने रखा हुआ पेड़ पे, और अब मैं सीधा अंदर की तरफ जाऊँगा जो कि आपको ये दिख रहा होगा। इसी तरफ से मैं अभी आया हूँ अंदर, और ये देखिए रास्ता है अंदर जाने का। तो डर तो लग रहा है, लेकिन मैं उस जगह का राज और ये चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए इस जगह तक अकेले चला आया। अच्छा, लास्ट टाइम पे मुझे वो चीज इस जगह पे नजर आई थी, अब ये देखना है कि मैं अकेले ऊपर तक जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। सुनसान है और कितना ज्यादा खतरनाक है वो आपको दिख रहा होगा सामने कैमरे के अंदर। अच्छा, मैं जैसे ही यहां पर अंदर एंटर किया तो ये चीज अभी धसी है कि पता नहीं कुछ दिन पहले धसी है। यहां से एक बहुत तेज आवाज आई है, शायद ये धसी है क्योंकि इसके नीचे बहुत बड़ा होल है। मुर्दा घर है, और मुर्दा घर वाकई में बहुत खतरनाक होते हैं, और ये यहाँ पे आके मैंने कितनी बड़ी गलती की ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। फिलहाल मैं जिस जगह को एक्सप्लोर करने आया हूँ उस जगह तक चलता हूँ सबसे पहले, या फिर मैं पहले पूरा एक्सप्लोर करता हूँ फिर मैं लास्ट में ऊपर की तरफ जाऊँगा। थोड़ा लाइट को मैं बढ़ाता हूँ, भयानक लग रहा है। हेलो हेलो
अटपटा सा लग रहा है और दूसरी चीज ना मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। तेरे ऊपर से आवाज आ रही है भयानक। हेलो, ये बात सच है कि इस जगह पे एक आत्मा रहती है और वो शायद इन ऊंचाइयों पे कहीं रहती है। ये मैं पूरा 100% श्योर हूं और मैं अभी पहले पूरा जगह एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद मैं ऊपर पी जाऊंगा आज, ताकि ये पता चले कि ये आत्मा कौन है, कितनी खतरनाक है। उससे पहले मैं ये देखिए आवाजें आ रही हैं, इस जगह पे जाना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितनी खतरनाक जगहों पर जाता हूँ। वो देखिए कोई सा जानवर है पेड़ के ऊपर कोई जानवर है जो कि जंगली जानवर है और वो काफी ऊंचाई पे चला गया। अब इसे क्या बोलते हैं, शायद इन रात्रि जीव है और लाइट को देख के हो सकता है कि ऊंचाई पे चले गए हूं। क्या कोई है यहां पे? हेलो, बड़ी अजीब सी जगह है। हेलो गाइस, किसी में इतनी हिम्मत? ये देखिए आवाज आई। क्या आपको लगता है कि किसी में भी इतनी हिम्मत होगी कि वो ऐसी जगहों पर अकेले चला है? क्या है किसी में हिम्मत? शायद नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि रियल हॉन्टेड जगह रियली होती है और जो बनावटी होती है वो बनावटी होती है, आप सबको पता है। और ये रियलिटी है कि ये एक बहुत ही खतरनाक हॉन्टेड जगह है जो कि इस वक्त मैं फेस कर रहा हूं। कोई आवाज आई। क्या कोई है यहाँ? हेलो, हेलो, कौन था अभी यहां पे? ओह माय गॉड, पूरी 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 ओ शिट यार, सीरियसली मेरे हाथ पर कांप रहे हैं। चिपटी है ना गाइस, मैं चौंक गया हूं एक पल के लिए, और जैसे ही मैंने अंदर की तरफ एंटर किया ना, वो चीज उस जगह पे खड़ी हुई थी। देखिए मैं जानता हूं कि आप यहीं पर हो, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? हेलो, भाई साहब जो चीज अभी मैंने देखी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये देखिए
क्या कोई है यहां पर? ये देखिए आवाज आई है। देखिए मैं आज अकेले हूं, शायद आपको ऐसा लगता हो कि बहुत सारी लाइट और इतने सारे लोग हैं तो आप ना आते हो सामने। आज मैं अकेले हूं, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं कुछ भी ऐसा? सीरियसली मेरी एकदम क्या बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े हैं और क्या इस जगह पर अभी कोई मौजूद है जो हमसे बात कर सकता हो? कोई सामने की तरफ है। वो रे, वो देखिए उस जगह पे है। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं कुछ भी? मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? हेलो, देखिए मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा, सिर्फ मेरे दो सवालों का जवाब दे दे। क्या ये वाकई में एक मुर्दा घर है? क्या ये वाकई में एक मुर्दा घर है? मैं आपसे बात कर रहा हूं। सीरियसली मैं बोल रहा हूं, उस जगह पे कोई था। ये पता नहीं कैमरे में कैसा रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन कंफर्म उस जगह पे कोई था। देखिए आप जो भी हैं, क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? हेलो, गायब हो गई वो चीज तो। कई ये बात साबित होती है कि ये जो जगह है वाकई में एक वीरान, खतरनाक और हॉन्टेड जगह है। अब मैं इस जगह की सबसे खतरनाक जगह जो कि है ऊपर की तरफ, उस जगह पे जाने वाला हूं और शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर दूं, ये मुझे नहीं पता। मुझे अकेले जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं अब सीधा ऊपर जाके सब कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूं, क्योंकि मेरी दिली इच्छा है कि ऊपर जाएं और वो चीज शायद ऊपर ही वास करती है, तभी इस जगह पे हमें बार बार नजर आ रही है। नहीं तो वो चीज अचानक कैसे गायब हो सकती है? तो सीधा ऊपर की तरफ एक बार चलते हैं और देखते हैं कि वाकई में वो चीज क्या है। अब मैं सबसे डेंजर काम करने जा रहा हूं, पता नहीं वो कितना डेंजर हो और कितना खतरनाक। हेलो, बड़ा खतरनाक है इस जगह और मैं पता नहीं क्या करने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता, बस करने जा रहा हूं मैं। काफी ऊंचाई पे आ चुका हूं, देख रहे हैं मैं अभी कितनी ऊंचाई पे खड़ा हूं और डर है कि ये गिर ना जाए। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऊपर तक जाऊं, क्योंकि मेन जगह यही है। हेलो,
मैं ऊपर तक तो आ गया, अब देखना यह है कि वाकई में यह कितनी खतरनाक जगह हो सकती है। हेलो, कौन है? पता नहीं यार, कहां से आवाजें आ रही हैं, मुझे नहीं पता। कौन है? मैं पूछ रहा हूं कौन है? हेलो, हेलो, ये देखिए आवाज आई। कौन है? कौन है? पता नहीं, अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। बस अब यहां से मैं भागना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अकेले भी यहां डर लग रहा है बहुत ज्यादा। और वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जगह पूरा हॉल खाली पड़ा है, और जो चीज मैं एक सोच रहा था बिल्कुल किसकी आवाज है? कोई तो है ऐसा जो भाग रहा है। कौन है? मैं पूछ रहा हूं कौन है? नहीं, सीरियसली अब इस जगह से उतरना ही ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये देखिए आवाज आई। देखिए, मुझे पता है कि आप इसी जगह पे हो और इस वक्त भी मुझे देख पा रहे हो। क्या आप चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं? क्या आप चाहते हो मैं यहां से चला जाऊं? मुझे यहां से निकलना चाहिए शायद, बड़ी मुश्किल से यहां से निकल पाऊंगा मैं। ओह माय गॉड, अभी अभी कुछ देखा इधर में। वो देखिए, वो रही, वो रही, वो रही। कौन है वहां पे? मैं पूछ रहा हूं आपसे कौन है वहां पे? हेलो, ओ माय गॉड, मुझे उतरना चाहिए शायद। माय गॉड, पता नहीं कैसे उतरूंगा। मैं पूछ रहा हूं कौन है यहां पे? ये बोल रहा हूं, यहां से मैं उतरता हूं पहले, मुझे यहां पे डाउट है
कुछ तो है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह शिट, ऊपर कोई है, पूरी वो जा रही, वो जा रही। मैं जब तक ऊपर था वो जस्ट मैं उतरते ही समय समझ गया था कि वो मेरे पीछे आ रही है, इसीलिए मैं जल्दी से उतर हूं नीचे। गाइस मुझे बाहर निकलना चाहिए शायद। वो देखिए उस जगह पे कोई चीज जाती हुई नजर आ रही। गाइस ये तो साबित हो गया कि इस जगह पे वाकई में ऊपर साइड में कोई आत्मा है, और मैं ऊपर तक गया और सब कुछ एक्सप्लोर भी किया। अब देखने वाली बात यह है कि वाकई में कोई इस जगह पर सच में, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए शायद, यहाँ से निकलना चाहिए। मैं कुछ भी अजीब सा रिएक्शन कर रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ गाइस।